नेताओं के दावे, नारे, वादे क्या कुछ होते हैं, नौजवानों के लिए क्या कुछ है एजेंडा? वो सिर्फ इलेक्शन तक ही वो रहता है, इलेक्शन जब वोट वो जीत गए उसके बाद वो अपने घर, हम लोग अपने। अभी तक तो हमको लगा पुराना सांसद अभी आए भी ना, अब इलेक्शन का समय आया है तब पता चला है जो हमारा सांसद कौन है, नहीं है तो हमको खुद नहीं पता है सांसद कौन है, एरिया में आएंगे तभी तो पता चलेगा ना वो चीज़। वोट देना है पहचानते हैं हम लोग, किसी कोई कैंडिडेट नहीं आया है यहाँ। जे है वो आदमी ओके लगन बैठ के गप सप कर लेता चल गए, और गुआ के नहीं खोजत नहीं अथी कर। नेता का विकास हो या ना हो, लेकिन नेता का विकास ऑटोमेटिक हो जाता है, इसमें कोई राय दो है नहीं है, नेता का ही विकास होता है, जनता का कोई विकास नहीं। 13 को वोट है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं है? तैयारी कौन, जब प्रचार करने के लिए कोई नहीं आया अभी तक तो कुछ, तो क्या किसको कहा जाए। बात लोकसभा के उस सुरक्षित सीट की जहां पर नुमाइंदी करने वाले लोग अपने आप को तो बताते हैं कि समाज के सबसे रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, संसद में प्रतिनिधित्व करेंगे, परिवार भले ही उनका कितना हो बड़ा सियासत में क्यों नहीं हो, लेकिन जिस समाज के वो हिमायती बनते हैं, जिस समाज के रहनुमा बनते हैं, जिस तबके जिस जमात के लिए वो अपनी पहचान बनाते हैं, उस समाज उस तबके के बीच में हम बैठे हुए लोग हैं। हमारे साथ कई लोग आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, अलग अलग जाति के लोग हैं, लेकिन सबकी पहचान यही है कि समाज के सबसे पिछड़े लोग हैं जिनको रिजर्व कैटेगरी में रखा जाता है। इनका पेशा, ये इंसान के शरीर पर टैटू बनाते थे इनके परिवार के लोग, गांव की भाषा में गोदना कहते थे शरीर पर निशान लगाना, लेकिन दुनिया हाईटेक हुई तो अब मशीनों के माध्यम से टैटू बनाया जाता है। लेकिन अब परिवार आज भी उदासीनता, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, बदहाली, हर चीज़ को सपने समझकर भुला नहीं दिया है, ये देखता नहीं उसको जीता है। ये तस्वीरें देखिए, इनके घरों की बनावट देखिए, आज भी तस्वीर ये विकास की तस्वीर है, ये तरक्की की तस्वीर है, ये विकसित बिहार की तकदीर है कि जहाँ झोपड़ी और झोंपड़ी दिखाई पड़ते हैं, दो चार पक्के मकान दिखेंगे लेकिन शहर के वनस्पत कम दिखेंगे। ये गनीमत है कि यहाँ भी बिजली के पोल और बिजली की तारें दिखाई पड़ती है, उम्मीद है कि बिजली भी हो आती होगी, कुछ घंटे रहती होगी। नौजवान है, इनसे बात करेंगे, बिजली रहती है भैया? रहती है, बट उतना नहीं रहता जितना होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशीष कुमार हो गया। आशीष, इस गाँव में सुरक्षित रिजर्व सीट है लोकसभा के लिए, चुनाव का माहौल चल रहा है, नेताओं के दावे, नारे, वादे क्या कुछ होते हैं, नौजवानों के लिए क्या कुछ है एजेंडा? वो सिर्फ इलेक्शन तक ही वो रहता है, इलेक्शन जब वोट वो जीत गए उसके बाद वो अपने घर, हम लोग अपने घर, सिर्फ इलेक्शन तक ही वो लोग का वादा जो भी रहता है वो उतना ही तक रहता है, कुछ नहीं है वो सब। क्यों पुराने सांसद कुछ काम नहीं कर पाए कि नए सांसद जो बनने होने वाले हैं उनके वादे पर भरोसा नहीं है? अभी तक तो हमको लगा पुराना सांसद अभी आए भी ना, अब इलेक्शन का समय आया है तब पता चला है जो हमारा सांसद कौन है, नहीं है तो हमको खुद नहीं पता है सांसद कौन है, एरिया में आएंगे तभी तो पता चलेगा ना वो चीज़। इस बार कौन चुनाव लड़ रहा है पता है? इस बार तो अभी पता, हम लोग को नहीं पता चला ये चीज़। अच्छा, नहीं पता चला है, ठीक है सर। अगला बार का प्रिंस चले, हाँ पिछला बार प्रिंस थे, प्रिंस चले एक दिन घूर के लाए पास जुसाद। अब की बार बाबा अभी कहीं नहीं कहले, एक बार कोई नहीं रहा। अच्छा, चुनाव में इस बार एजेंडा क्या है, वोट किसको देना है, किस तरीके के? अभी कहना कहीं जो अखन अखन वोट के 13-14 दिन कखन लोग के मन बदल की हो कोई उम्मीदवार नहीं आया, उम्मीदवार नहीं आया ना, कोई वोटे मांगने नहीं आया, तो वोट किसको देना है? ना वोट देना है पहचानते हैं हम लोग, किसी कोई कैंडिडेट नहीं आया है यहाँ, मतलब ना एनडीए के लोग आए ना इंडिया के लोग आए, कोई नहीं आया है। वोट में आएगा भी नहीं, जीतने के बाद कोई आएगा भी नहीं, कोई नहीं जानता है, उसी के पास आएगा, अपना बैठेगा, खाना खाएगा, जाएगा, और हम लोग को कोई पता नहीं रहता कौन आया कौन गया, फूरल कोई घूमेगा तो जो है एगो करो आदमी ओके लगन बैठ के गप सप कर लेता चल गए, और गुआ के नहीं खोजत नहीं अथी कर, किसी को नहीं खोजेगा, वो अपने आप आया, जो जान पहचान के पास बैठा, खाना पीना खाया, बस चलते रह गया। अच्छा, आप लोगों के बीच जब चर्चा होती होगी वोटिंग की, तो क्या लग रहा है कि जहन में चल रहा है कि वोटिंग का चर्चा हुआ ही नहीं है इस पूरे गांव में? चर्चा नहीं है, कोई लहर, कोई हल्ला, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई प्रचार उचार वाला गाड़ी कुछ भी नहीं, प्रचार गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये कौन सा जगह है? ये तुर्की जगह है। जिला कौन सा? दरभंगा।
अच्छा दरभंगा जिला है। हाँ लेकिन लोकसभा समस्तीपुर है। हाँ लोकसभा समस्तीपुर है। जिस तरीके से यहाँ दो जिला एक लोकसभा आपस में मिले हुए हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ के वोटरों का जो है सपने भी सपनों में मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ प्रत्याशी नहीं आते हैं वोट मांगने, और जो जीत के जाते हैं वो आपस पलट के भी नहीं आते हैं। इन लोगों की अच्छा यहाँ बुनियादी ज़रूरत के तौर पर या जो आपकी समस्या है, क्या ऐसी समस्या दिख रही है कि जो इस पर बात होना चाहिए, नेताओं को ध्यान देना चाहिए? बेरोजगारी दूर करें। बेरोजगारी सबसे बड़ा। अच्छा विकास के दावे किए जा रहे हैं, क्या विकास इस गांव में? कुछ नहीं हुआ है। लेकिन बिजली की तार तो दिखाई, बिजली तो बोलता है बढ़ता है, सड़क भी है, सड़क भी है, बिजली सड़क है। मोदी जी की योजना यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है क्या? उसका योजना का क्या है? मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं उनकी योजना यहाँ इस गांव में नहीं आती है। ये बिजली सड़क के लिए तो नीतीश कुमार कहते हैं कि मेरी योजना है। हाँ तो उसका योजना है नीतीश जी का। प्रधानमंत्री बन बैठा थे आखिर नीतीश बन बैठा थे यहाँ जब प्रधानमंत्री बनूलक तो नीतीश कहक हम ही बन बैठे बुझलिए। यहाँ सर जनता का विकास हो या ना हो, लेकिन नेता का विकास ऑटोमेटिक हो जाता है। इसमें कोई राय दो है नहीं है। नेता का ही विकास होता है, जनता का कोई विकास नहीं होता है। नेता का ही विकास होगा। हाँ नेता खुद अपने विकास के लिए लड़ता है, अपना वो जीतता है वो अपना ही विकास करता है। अच्छा अभी इस बार कौन कौन चुनाव लड़ रहा है पता है कुछ? पेपर में भी ना छपा कुछ नहीं पता ला। अच्छा बाबा आप बताइए, नेताजी तो कह रहे हैं कि हम बढ़िया से तैयार होकर आएंगे तब बोलेंगे, इस गाँव में जो जरूरत है वो लोगों की पूरी हो गई है? कोई पूरी नहीं हुई, कोनो पूरी नहीं हुआ जी ना। कोई वादा करने भी नहीं आया? ना कोई नहीं आया, कोई आया नहीं। अच्छा इस इलाके में किस तारीख को वोट है पता है? 13 तारीख 13 को वोट है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं है? तैयारी कौन, जब प्रचार करने के लिए कोई नहीं आया अभी तक तो कुछ तो क्या किसको कहा जाए? जब इलेक्शन होगा तो फिर जैसा जो होगा वोट देने जाइएगा ना। हाँ वोट तो जरूर देते हैं। तो उस दिन किसी को भी दे देना है, उस दिन तक जो आएगा फिर देखिए आप क्या कहा जाए। उस दिन तक जो आएगा उम्मीद आप लोग कर रहे हैं कि कोई ना कोई तो आए? आएगा तो उसको वोट देंगे हम। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।